जी नाजीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ बाबर महमूद साहब मौजूद हैं जो कि खिदमत ग्रुप के सदर हैं और रिप्रेजेंट करते हैं हर प्लेटफॉर्म पर मोबाइल फोन जो ताजिर हैं उनको। लेकिन बाबर महमूद साहब, पहले तो आपको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। आज के प्रोग्राम में आपके ऊपर बहुत सारी एलिगेशन है। सबसे पहले तो हड़ताल थी आज और आपने मोबाइल फोन ताजिरों की नुमाइंदगी नहीं की, ये क्या हुआ? मैं पिछले 5-6 माह से, जब से ये मोबाइल फ़ोनों पे जो ये मसले मसाइल आए हुए हैं, पिछले 5-6 माह से बाकायदा इस्लामाबाद हुकूमत से मुज़ाकरात भी कर रहे हैं और इन मोबाइल वालों के बहुत सारे मसले हल भी करवाए हैं, जिसकी वजह से ये लोग आज काम करने की पोजीशन में हैं। एक दो पॉइंट रह गए हैं, वो भी इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि हम हल करवा लेंगे। हमारा मौक़ब ये था इन लोगों से, जब तक मुज़ाकरात के रास्ते खुले हैं हमें मुज़ाकरात पे जाना चाहिए। पिछले दिनों 15 तारीख को हमने यहाँ पे आल पाकिस्तान कन्वेंशन बुलवाया, पूरे पाकिस्तान के हमारे मोबाइल के डीलर यहाँ पे तशरीफ़ लाए और वहाँ पे हमने ये तय किया कि ऐसा करते हैं कि आप लोग बराए मेहरबानी 25 वाली डेट वापस लें और 5 तारीख तक की हुकूमत को डेडलाइन दे देते हैं, ताकि अगर 5 तारीख तक इन्होंने कोई फैसला ना किया तो हम ये हड़ताल इत्तेजाज का जो फैसला है ना, चारे सुबों के लोगों को दे देते हैं। तो क्या वजह थी कि वो दूसरा धड़ा जो है वो उजरत में था और आप टाइम दे रहे थे हुकूमत को? उसकी वजह ये कि हमने शुरू से लेके अब तक हुकूमत से जितने मुज़ाकरात किए हैं, उसमें सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान में मोबाइल फोन जो 1000 की कीमत का था, उसकी पहले ड्यूटी थी 1250 रुपया। हमारे कहने पर, हमारी कोशिश अल्लाह के हुक्म से, उन्होंने 1250 भी खत्म किया, उसकी ड्यूटी 400 कर दी। पाकिस्तान में पहले यूज मोबाइल की इम्पोर्ट की इजाज़त नहीं थी। मिनिस्टर हमाद अदर साहब ने यूज मोबाइल की कबीना से मंजूरी भी लेके दी और मोबाइल भी इम्पोर्ट करने की इजाज़त मिली। इसके अलावा हमारे कुछ मसाइल ऐसे थे मोबाइल के हवाले से, हुकूमत इन मोबाइलों को ब्लॉक करना चाह रही थी। हमने हुकूमत से, हमाद साहब से रिक्वेस्ट की, बराए मेहरबानी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए ताकि ये जो पहला सामान जो बगैर ड्यूटी के आए ये हम बेच सकें। उनकी मेहरबानी, उन्होंने 3 दफा में टाइम भी दिया। अच्छा, यानी कि सारे सवालों के जो जवाब आप दे रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत है, उसने आपकी बहुत सारी बातें मानी हैं, इसलिए इस मौके पर भी आप थोड़ा सा उनको एक टाइमलाइन देना चाह रहे थे, 25 की बजाय 5 करना चाह रहे थे, 5 अप्रैल करना चाह रहे थे, लेकिन वो दूसरे हिस्से ने, आपके जो दूसरे ताजिर बरादरान है, उन्होंने नहीं मानी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आपके पर ये भी इल्ज़ाम है कि आप ताजरों की नुमाइंदगी नहीं करते, आप एक जमहूरी प्रोसेस के थ्रू बने हुए सदर हैं ही नहीं, आप खिदमत ग्रुप के सदर हैं, आप पूरे हॉल रोड की या मोबाइल ताजरों की नुमाइंदगी नहीं करते। ये उनकी मेहरबानी नहीं करने दे रहे, तो ये उनकी मेहरबानी है। ये हार रोड पर जो आखिरी इलेक्शन हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत ग्रुप ने भरपूर तरीके से इलेक्शन विन किया हुआ है और हार रोड की हिस्ट्री में इतना बड़ा इलेक्शन ना कभी पहले हुआ था ना कभी होगा। और उसमें लास्ट इलेक्शन जो हार रोड पे हुआ है, उसमें मैंने तकरीबन 600 से 700 तक वोटों की लीड से इन्हें हराया। 2009 में, 9 में उसके बाद कोई हार रोड पे इलेक्शन नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमने लोगों के मसाइल हल करवाने, मैं आपको ये भी बता दूँ, इनकी बात मान लेते हैं, मैं नुमाइंदा ही नहीं हूँ, लेकिन खिदमत करने के बाद 2019 10 साल का फर्क पड़ जाता है। क्यों जमहूरी अमल से क्यों नहीं गुजरा ये प्रोसेस सारा, ये हाल रोड, ये ताजिर बरादरान क्यों जमहूरी प्रोसेस से क्यों नहीं गुजर पाए फिर उसके बाद? आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके बाद एक छोटी सी हिस्ट्री है, किसी टाइम आप अकेला उस पे प्रोग्राम रखे, मैं आपको कुछ पेपर दिखाऊंगा, पेपर देखने के बाद आप जो फैसला करेंगे हम मान लेंगे। दूसरा, मैं आपको जो सबसे अहम बात है वो आपको क्लियर कर दूं, दुनिया में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि खिदमत करने के लिए नुमाइंदा इलेक्ट होना ज़रूरी है या सिलेक्ट होना ज़रूरी है। कोई भी बंदा किसी के लिए खिदमत कर सकता है। अच्छा ठीक है, खिदमत कर सकता है। आपकी जो दूसरा ग्रुप है उसका इल्ज़ाम ये है कि क्योंकि आपको वजारत बुलाती है टेबल टॉक करने के लिए, क्योंकि आप तो नुमाइंदे हैं ही नहीं, तो आप क्यों जाते हैं? हम ही नुमाइंदे हैं। अच्छा। मैं एक नहीं, 4-4 जमातों का नुमाइंदा हूँ। मैं खिदमत ग्रुप हार रोड का सदर हूँ, अंजमन ताजरान हार रोड का चेयरमैन हूँ, पाकिस्तान ट्रेडर अलायंस का मैं पंजाब का चेयरमैन हूँ, आल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन जो पाकिस्तान में रजिस्टर है, ये सब का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। सब आप हैं, लेकिन 2 घंटे के लिए आज मोबाइल की तिजारत बंद रही
उसका जिम्मेदार कौन है फिर अब? नहीं, ये सारा प्लाजा जिनके जो यूज मोबाइल का काम करता है, सारा का सारा प्लाजा खुला हुआ था। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आप मेरे मुजाकरात के साथ मसले हल कर रही हैं, तो फिर मुझे क्या जरूरत है कि लोगों को सड़कों पे लेके जाए? हुकूमत कर रही है आपके मजाक, अल्हम्दुलिल्लाह कर भी रही है और करेगी भी इंशाल्लाह ताला। मैं आपके आपके इन धड़ेबंदियों ने, मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, जो आपके ताजिर ग्रुप है उसकी धड़ेबंदियों ने, अब क्या आपको नहीं लगता कि हुकूमत को कंफ्यूज कर दिया कि हम तो हर वक्त अवेलेबल है इनसे मुजाकरात करने के लिए, लेकिन फिर भी हमें सड़कों पे एहतजाज देखना पड़ रहा है, तो फिर हुकूमत के लिए कौन से ऑप्शंस हैं? नहीं, मैं मेरी जो ख्वाहिश है, मैं अपनी बात करूंगा, अपने ग्रुप की बात करूंगा। मैं कहता हूं, मैं इन्हें दुआ देता हूं कि अल्लाह करे इन्होंने जो रास्ता अपनाया है, अल्लाह ताला उसमें इन सबको कामयाबी दे दे, आम बंदे को उसमें फायदा हो जाए। ये जरूरत नहीं है ना की गेम नहीं है, मैं की गेम नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये होगा कि आपको नई टेबल टॉक के लिए बुलाया जाएगा वजारत में? नहीं, अगर इन नहीं नहीं आप खुश होंगे टेबल? नहीं नहीं, मेरी बात समझ ले, मैं ये कह रहा हूँ के तौर पर कोई और चला जाए। नहीं नहीं, मेरी बात समझ ले पहले। पाक ये जो इन्होंने आज सब ने इत्तेजाद किया ना, मैं तो इनको दुआ गूँ इनके लिए कि अल्लाह करे इन्होंने जो तरीका अपनाया उसमें हमें कामयाबी मिल जाए। जरूरी नहीं कि कामयाबी हमारी तरफ से मिले। आपको तरीके के ऊपर थोड़ा सा एतराज है, लेकिन जो नकात हैं जिसकी वजह से हड़ताल की गई है उसके ऊपर आपको कोई एतराज नहीं? एतराज नहीं, ये क्योंकि टैग का मसला है और थोड़ा सा ड्यूटी नए और पुराने की ड्यूटी का मसला है, और कुछ हमारे केपी के जो लोग हैं उनका को कीपैड का मसला है, ये दो तीन मसले हैं। मैं कह रहा हूँ मेजर मसले हल्की, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ दुनिया में कहीं भी इत्तेजाज आखिरी हल होता है जब मुजाकरात के दरवाजे खुले। अच्छा, मैं आपको ये भी बात बता दूँ, पाकिस्तान से मुख्तलिफ दरों के बहुत सारे लोग इस्लामाबाद जाके मिनिस्टर हमास साहब से और असद उमर साहब से कई कई दफ़ा मिल चुके हैं। मैं एक दफ़ा भी असद उमर साहब से मेरी मुलाकात नहीं हो सकी, मैं हमास साहब से मेरी मुलाकात हुई है, असद उमर तक मेरी पहुंच ही नहीं है, ठीक हो गया। लेकिन पाकिस्तान के बहुत सारे दरें उनसे भी जाके मुलाकातें कर रहे हैं, ये तो नहीं कि स्पेशल उन्होंने मेरे से मुलाकातें कर रही हैं, पूरा पाकिस्तान मुलाकातें कर रहा है जिस मकसद के लिए हम सब निकले हुए हैं। हमारी कोशिश है कि भी किसी भी तरीके से हम लोग ये लोगों के मसले हल कर सके ताकि लोग जो तकलीफ में है वो दूर हो जाए। अच्छा, आखिरी में एक छोटा सा जवाब दे दीजिए बहुत आसान से सवाल का, ये जो मुतालिबात हैं आज की जो हड़ताल की गई है उसमें मनवाने के लिए जो हड़ताल की गई है, उससे जो आवाम है जिसने मोबाइल खरीदना है, अगर तो ये मुतालिबात मान लिए जाते हैं आवाम को क्या फायदा होगा? नहीं, ये इस वक्त आवाम के लिए कोई मसला नहीं, मोबाइल आवाम बंदा खरीदे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो पॉलिसी है इसमें हुकूमत और दुकानदारों का इम्पोर्टर का एक मसला है, वो हल होना चाहिए। आवाम को इससे कोई फर्क नहीं, आवाम अपनी खरीदारी वैसे ही जारी रखे, उसमें इनके लिए नहीं होंगे यूज मोबाइल? नहीं, अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। बाबा महमूद साहब, अगर हम उनकी बताई हुई ड्यूटी कबूल करेंगे तो महंगे हैं, लेकिन जब उन्होंने कह दिया इसमें जो डिफरेंस है आप हमें एविडेंस दें, हम वो भी फर्क निकाल देते हैं। मतलब मुतालबात मान लिए जाएंगे? इंशाल्लाह मान लिए जाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि खुदारा आप हड़ताल में अगर किसी ने खाल देनी है तो पहले आपस में मशावर कर लें, मशावर करने से दो दो दरे नहीं बांधते, मकसद लोगों को यकीन दहानी करवा दे। नेक्स्ट टाइम आप जो लाहौर की सड़कें हैं आपके ताजरों की जानिब से अब बंद की जाएंगी? नहीं, मसला ये है कि हमने आखिरी दम तक कोशिश करनी है कि लोगों का मसला हल हो जाए, हमें सड़कों पे ना आना पड़े। मावर महमूद साहब बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में डिटेल्ड आपने तमाम ये जो आज हाल रोड और इसके अलावा हफीज सेंटर बंद किया गया था उसके पीछे जितने भी वजूहात थी वो जानी है और जितने भी धड़ेबंदियाँ थी दोनों से हमने बात की है और ये बात पहुँचाने की कोशिश की है, और हुकूमत का इसमें क्या अमल दखल है ये भी हमने अपने नुमाइंदे से भी जानने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो सारिफीन हैं उनको आइंदा आने वाले दिनों में महंगे मोबाइल ना खरीदने पड़े और जो पाकिस्तान की तिजारत है उसमें भी मजबूती आए। आज की टॉप स्टोरी से आपसे इजाजत चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान पाइंदाबाद।